स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक मोटर पर हमने बात की थी। इलेक्ट्रिक मोटर ऐसे हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है, जिस तरह के हमने एसी जनरेटर का ड्रॉ किया था, इसमें एक्चुअली ये होता है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम इनपुट पर देते हैं और आउटपुट पर हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। यानी जिस तरह की कॉइल हमने शो किया हुआ है, इसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर फ्लो करते हैं इस कॉइल के अंदर, सो चूंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, दोनों फील्ड इंटरेक्ट करते हैं, इसका अपना इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है और उस इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, इसमें टर्निंग इफेक्ट आ जाता है जो कि इसको टॉर्क प्रोवाइड कर देते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। ईएमएफ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक्चुअली जब आप चार्ज को लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ले जाते हैं, जितना आपने वर्क डन किया, दैट इज ईएमएफ। मोटर्स हमने डिफाइन किए, एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, ये आ गए मोटर्स। अब बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको देखें, इसकी फिगर को, दो हमने परमानेंट मैग्नेट शो किए हुए हैं, एक साउथ पोल आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये साउथ पोल, और इसी तरह एक नॉर्थ पोल आप यहाँ पर देख रहे हैं, दो परमानेंट मैग्नेट्स। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, देखिए वो यूं होगी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर हम उसको ब्लैक कलर से शो कर ले, सो वो यूं होंगे, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे जो कि नॉर्थ से जाएंगे साउथ की तरफ, ये जो कि यहाँ पर आप ब्लू कलर से भी शो देख रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अंदर हमने रखा हुआ कॉयल, कॉयल के ये जो दो एंड्स है आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास है स्प्लिट रिंग्स, जिनको हमने रिंग को जो है हाफ किया हुआ है, इनकी फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। ये एक्चुअली यहाँ पर जो सेंस होती है, इलेक्ट्रिक करंट की जो सेंस है, उसको रिवर्स करते हैं आफ्टर हाफ रोटेशन, सो ये स्प्लिट रिंग्स है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि जो अर्मेचर हमने यहाँ पर शो किया है, अर्मेचर एक्चुअली ये है कि जो यहाँ पर आप आयरन कॉयल रखते हैं, आयरन शीट रखते हैं, उसके ऊपर आप कॉयल रखते हैं, तो एक्चुअली जो कोर मटेरियल हमारे पास वो आयरन का होता है, और इसके साथ जो कॉयल इसके ऊपर रखते हैं, सो इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं आर्मेचर, क्योंकि आयरन जो है एक्चुअली वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। सो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, बैक ईएमएफ इफेक्ट क्या है। एक तो हम यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स यानी इस मोटर को जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सो चूंकि डीसी मोटर हम पढ़ चुके हैं, डीसी मोटर से हम किसी भी सेल से या किसी और सोर्स से आप ईएमएफ जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, सो वो आ जाएगा एक्सटर्नल सोर्स। अब जब आप इसको एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट आएगा, और जब टर्निंग इफेक्ट आएगा, उसका हमने एसी जनरेटर में पढ़ा था कि टर्निंग इफेक्ट एक्चुअली क्या करेगा, क्योंकि कॉइल मूव करता है, सो यहाँ पर फिर वो हमारे पास वही चीज रिपीट होता है, जो मोशनल ईएमएफ हम पढ़ चुके हैं, मोशनल ईएमएफ और फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मोशनल ईएमएफ में हमने देखा था कि जब आप कंडक्टर को मूव करते एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, सो वहां पर डिफ्लेक्शन होता है चार्जेस का, चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस दूसरे एंड पे रह जाते हैं, सो एक्चुअली आ जाते हैं ईएमएफ, जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। फ्लक्स भी, फ्लक्स के कंसेप्ट से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ये रोटेट करते हैं इसको, तो फ्लक्स इसमें चेंज होता रहता है, उस वजह से भी यहाँ पर आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से भी देख सकते हैं, ईएमएफ आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, वो एज अ रिजल्ट हमें देगा इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। जब इंड्यूस्ड करंट आएगा, देखिए ईएमएफ भी आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट भी आ गया, तो एक्चुअली हमने एक्सटर्नल सोर्स से ईएमएफ प्रोवाइड किया, एक्सटर्नल सोर्स से, इसको आप सपोज नाम दे दे, या इसको मैं वी लिख लेता हूँ ताकि दोनों में डिफरेंस समझ आ जाए, ये एक्सटर्नल सोर्स से हम वी वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको हम ईएमएफ के सिंबल से ये शो कर रहे हैं, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। सो अब देखें, जब इंड्यूस्ड ईएमएफ आते हैं, तो एक्चुअली लेंज लॉ में हमने पढ़ा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इस सोर्स ईएमएफ को, सोर्स वोल्टेज को क्या करते हैं, अपोज करता है, यानी जो भी चेंज आता है उस चेंज को अपोज करता है, डिक्रीजिंग हो तो उसके डायरेक्शन में आता है, इंक्रीजिंग हो तो अपोजिट डायरेक्शन में आता है, सो एक्चुअली उसको क्या करता है, अपोज करता है। सो अगर हम देखें यहाँ पर डीसी सोर्स से हम प्रोवाइड कर रहे हैं वोल्टेज, सो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। सो अब जो इस कॉयल में रेजिस्टर है, जो इसकी रेजिस्टेंस है अपोजिशन टू द करंट, देखिए उसको आप आर से कंसिडर कर लें, ये है हमारे पास आर, दो हमारे पास ईएमएफ वोल्टेजेस आ गए, एक एक्सटर्नल का एक इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अब देखिए जब पोटेंशियल ड्रॉप होगा कॉयल में, चूंकि जो
इस टर्निंग इफेक्ट से, जहाँ पर जो करंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, चूंकि रेजिस्टेंस भी है इसकी, सो वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ? वो होगा वी इज इक्वल टू आई आर। ये क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप, जब भी रेजिस्टर आप लगाते हैं, देखें, सो वहां से करंट पास होगा, सो चार्जेस पास होते हैं, सो पोटेंशियल ड्रॉप करते हैं उस रेजिस्टर से, तो इतना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, एक्चुअली देखें, अगर हम कोई अपोजिशन कंसिडर ना करें, सो ये हमारे पास आ जाएगा, इतना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ भी है, तो एक्चुअली जो हम एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका कुछ जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट चला जाएगा, कुछ रेजिस्टर में ड्रॉप होगा। तो इसलिए हम टोटल लिख लेंगे कि जो टोटल हमारे पास सोर्स वोल्टेज है, वो आ जाएगा इन अपोजिशन टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, कुछ इसके अगेंस्ट वर्क डन होगा क्योंकि ये इसके अपोजिट होता है, और कुछ जो है वहां पर रेजिस्टर में ड्रॉप हो जाएगा। सो ये आ जाएगा टोटल वोल्टेज। इसी तरह अगर आप टोटल करंट की बात करें यहाँ पर, सो करंट हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल करंट की अगर देखें आप, ये आ जाएगा वी माइनस ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर। ये इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू आती है। देखिए, इलेक्ट्रिकल करंट की जो वैल्यू है वो कब मैक्सिमम होती है? जब इंड्यूस्ड करंट अगर आप यहां से रिमूव कर ले, यानी आप पोजीशन रिमूव कर ले, तो फिर हम देख सकते हैं कि करंट जो है वो ज्यादा होगा। और वो कब ज्यादा होगा? जब कॉयल जो है वो स्टेशनरी हो। कॉयल अगर स्टेशनरी है, स्टेशनरी कॉयल है, तो क्या होगा? स्टेशनरी कॉयल में नो मूवमेंट। जब नो मूवमेंट, तो वहां पर मोशनल ईएमएफ नहीं होगा। मोशनल ईएमएफ नहीं होगा, सो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा 0 के इक्वल, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्चुअली उसकी मोशनल ईएमएफ की वजह से आ रहा है, सो ये 0 होगा। यानी जब कॉयल स्टेशनरी हो, सो जो करंट हम इसको दे रहे हैं, वो मैक्सिमम वहां पर एज अ मैक्सिमम करंट हम वहां पर ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हम इसको मूवमेंट दे दें, सो मूवमेंट से फिर क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, सो वो कुछ जो उसकी वैल्यू है उसको अपोज करेगा, और कुछ जो उसकी वैल्यू बाकी रेजिड्यू वैल्यू है वो हमें मिलेगी। सो इसीलिए जब स्टेशनरी होगा तो मैक्सिमम हमें उसकी करंट मिलेगी, और जो अगर हम मूविंग कॉयल को देखें, सो फिर करंट कम मिलेगा। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि जितना ज्यादा आप इसको ज्यादा रैपिडली रैपिडली इसको मूव करते हैं, जिसकी रैपिड मूवमेंट है, तब इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज्यादा होगा। स्लो मूवमेंट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कम होगा। तो इसीलिए जब हम इसको फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में इसकी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, देखिए, वो 0 होती है, तो इसीलिए मैक्सिमम करंट यहाँ से पास होता है। और जैसे जैसे इसकी जो टर्निंग है वो इंक्रीज होती है, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है इन अपोजिशन टू द अप्लाइड वोल्टेज, सो इसीलिए वहां पर ड्रॉप आ जाता है। सो ये एक्चुअली जो इफेक्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर्स, जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ से आता है। और अगर आप इनिशियली देखें, सो इनिशियली मैक्सिमम करंट पास होता है, क्योंकि नो मूवमेंट है, तो इसीलिए अगर हमें ज्यादा करंट नहीं चाहिए, सपोज, और करंट जो है वो एक्सेसिव आ रहा है, एक्सेसिव करंट सपोज आ रहा है, एक्सेसिव करंट, इसकी स्पेलिंग देखें, एक्सेसिव करंट यह आ जाएगा, एक्सेसिव करंट। अगर एक्सेसिव करंट आ रही है, यानी हमें जितनी करंट चाहिए वहां पर एज रिक्वायरमेंट जो है, अगर उससे ज्यादा आ रही है, तो फिर हम क्या करते हैं? सीरीज में उसके साथ एक रेजिस्टर लगाते हैं, ताकि वो उसकी जो वैल्यू है उसको मिनिमाइज कर सके। लेकिन जैसे जैसे टर्निंग इफेक्ट बढ़ती है, तो फिर खुद भी उसमें अपोजिशन आता है, तो इसीलिए फिर हम उस रेजिस्टर को रिमूव कर लेते हैं। और उस जो इनिशियल रेजिस्टेंस है, जब हम वो यहाँ पर लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्टार्टिंग रेजिस्टेंस, ताकि हम इनिशियली एक्सेसिव करंट को मिनिमाइज कर सकें।